सभी अपने एंगेजमेंट में की जमकर के डांस। अपने होने वाले पार्टनर शशांक के साथ हुई नर्वस संभाला शशांक। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले अपकमिंग काफी ज्यादा धमाकेदार और कमाल के देखने को मिलने वाला है, जहां आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जहां एक तरफ अब यहां पर सभी और शशांक का साखर पूरा यानी कि एंगेजमेंट सेरेमनी बताई जाएगी, जहां पर सभी जो है बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई क्योंकि सभी की बिल्कुल फिर से दिल नहीं चाह रहा है कि वो शशांक के साथ शादी करे, लेकिन वो फिर भी ईशा मैम की बातों को रखने के लिए शशांक के साथ शादी कर रहा है क्योंकि अंदर से उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वहीं के आने वाले अगले एपिसोड देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है कि जहां एंगेजमेंट हो जाएगी, लेकिन एंगेजमेंट होने के साथ यहां पर शशांक जो है वो सभी पर अपना हक जमाने लगेगा और वो सभी की काफी ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करने वाला है, जो कि सभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और सभी अनकंफर्टेबल होने लगेगी। सभी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वो जैसा कुछ सोच रही है वो सही है या फिर गलत है, लेकिन जब सभी के साथ डांस करने लगेगा शशांक वो भी काफी ज्यादा क्लोज होकर के, जिससे सभी शशांक के हाथ को एक झटके से छुड़ा करके काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाएगी, जिससे शशांक का असली चेहरा सभी लोगों के सामने आ जाएगा कि शशांक अच्छा लड़का नहीं है सभी के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सभी को ऐसे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों आपके अनुसार आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।